ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सबसे पहले ये डिस्कस किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह जहां पर कोई और चार्ज रखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। दूसरा पॉइंट ये किया कि अगर किसी जगह पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसकी वजह से निकालना है, इसकी वजह से निकालना है, कहां निकालना है, यहां निकालना है। तो इमेजिन कर लो यहां पर एक इमेजिनरी टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है जो अपना फील्ड कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता। कितना पड़ा हुआ है? क्यू नॉट पड़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी वजह से क्या आएगी? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो यहां पर आप फोर्स अपॉन क्यू नॉट जब करोगे, दिस क्यू नॉट शुड बी वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना फील्ड ना लगा पाए, इसलिए। नेक्स्ट है, यूनिट्स ई के क्या होंगे? फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम। ये क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट है मेथड वन, कि अगर कोई चार्ज क्यू आर डिस्टेंस दूर ई लगाना चाहता है तो रूल नंबर वन, जहां ई लगाना चाहता है वहां पर इमेजिन करें टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, आप फोर्स को उस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करें, ई की वैल्यू आएगी। और हमने क्या सीखा? 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर को क्यू नॉट से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आई 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यू नॉट का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, सारा कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? क्यू का कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोई डाउट इसमें? ठीक। नेक्स्ट है मेथड नंबर टू। हमने ये देखा कि अगर हम चार्ज क्यू नॉट लेते हैं और क्यू नॉट से ही डिवाइड करते हैं तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, इसका एक शॉर्टकट है। जहां ई निकालना है इमेजिन कर लें वहां क्यू नॉट नहीं, इमेजिन करें वहां पर चार्ज प्लस वन, टेस्ट चार्ज प्लस वन। तो ई की वैल्यू इस क्यू की वजह से क्या होगी? 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाय सीधा आर स्क्वायर। क्यू नॉट वाला स्टेप हटा दिया, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन लेके अपना काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सुपरपोजिशन में क्या किया? ये चार्ज पॉजिटिव है, 1 मीटर दूर ई निकालना है तो रूल नंबर वन, इमेजिन कर लें यहां पर टेस्ट चार्ज कितना है? प्लस वन। ये कितना ई लगाएगा? 1/4πε0 5 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। डायरेक्शन प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी फोर्स की तरह। उसी तरीके से अगर ये माइनस है, माइनस चार्ज यहां पर कितना ई लगा रहा है तो यहां पर जहां ई निकाल रहा है वहां चार्ज इमेजिन करें प्लस वन। माइनस चार्ज प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट, किस तरफ? अपनी तरफ। ई का फॉर्मूले में माइनस साइन को नहीं लेना, 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, राइट? ओनली मैग्नीट्यूड लेना है। माइनस साइन सिर्फ क्या शो करता है? अट्रैक्शन, और प्लस क्या शो करता है? रिपल्शन। ये भी क्लियर है? फिर हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर मुझे दो चार्ज गिवन है 8 और 4 कूलम के और मुझे यहां ई निकालना है तो रूल नंबर वन, मैं यहां पर इमेजिन करूंगा कि यहां पर कितना चार्ज पड़ा हुआ है? टेस्ट चार्ज प्लस वन, प्लस वन। और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा? रिपेल। दो वेक्टर बने हुए हैं, प्लस फोर प्लस वन को रिपेल करेगा, 1/4πε0 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर, और ये 8 कूलम भी रिपेल करेगा, 1/4πε0 8 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। बड़े में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है? माइनस, नेट ई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये रूल हमने किया, और क्योंकि इसमें E1 बड़ा है E2 से तो E1 में से E2 को क्या करेंगे? माइनस। फिर हमने किया कि सपोज ये चार्ज है -3, ये चार्ज है +5, इधर आ जाओ, आगे आ जाओ प्लीज, तो थोड़ा साइड पे हो जाओ, दो प्लीज, ठीक, अंदर आ जाओ। देख इसको नहीं छेड़ना, बाकी सब ठीक है। बैठ जा यार, इधर आ जा, इधर आ जा, कोई बात नहीं। देखो सो माइनस एंड माइनस, जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या इमेजिन करेंगे? प्लस वन। करो स्टार्ट, आपके लिए न्यूमेरिकल है ये।
करो स्टार्ट, आप सब स्टार्ट करो, आपका न्यूमेरिकल है, जहां ई निकालना है रखो प्लस वन और इसका आंसर निकालो। ये तीन न्यूमेरिकल आपने करने हैं जहां आपको ई की प्रैक्टिस चाहिए, रखो प्लस वन और ई निकालो। तो जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन चेक करना है वो चेक करें, बाकी दूसरा करें। माइनस थ्री एंड माइनस सेवन कूलम, राइट? और यहां पर मिड पॉइंट पे मुझे ई निकालना है, जहां ई निकालना है वहां सबने प्लस वन रखा। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है? 5 मीटर, राइट? नेक्स्ट, जहां ई निकालना है कहां निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है। कई लोग अपने वेक्टर यहां या यहां बना रहे हैं, मत ड्रॉ करें, प्लस वन पे ही करें जहां ई निकालना है। ये माइनस इस प्लस वन को बोलो क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अट्रैक्शन का वेक्टर यहां बनेगा इस तरफ, तो वैल्यू बोलो, तो माइनस सेवन की वजह से ई का फॉर्मूला 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ 7/5² ये स्टेप क्लियर है? इसने इसे अट्रैक्ट करना है और ई का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या लगाना है? 1/4πε0 दिस मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 5² बिल्कुल उसी तरीके से माइनस थ्री प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। ये लो अट्रैक्शन, तो माइनस थ्री प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो वैल्यू क्या होगी इसकी? ई टू की 1/4πε0 मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 5² तो माइनस थ्री प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। 1/4πε0 थ्री डिवाइडेड बाय 5² ये दो वेक्टर समझ में आ रहे हैं। तो इसमें इस माइनस ने इसे अट्रैक्ट किया, इस माइनस ने इसे अट्रैक्ट किया, बड़ी में से छोटी वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस। क्या स्टेप क्लियर है? और इसमें साफ पता लग रहा है 7 न्यूमिनेटर बड़ा है इस न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर तो सेम है, तो नेट वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू e1 - e2 1/4πε0 7/5² माइनस 1/4πε0 3 डिवाइडेड बाय 5² क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है कि कैसे ई की वैल्यू निकलेगी? ठीक। सेकेंड क्वेश्चन में प्लीज थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करो, जो आपने कर लिया अच्छी बात है। यहां पर ना माइनस एक नया न्यूमेरिकल करना, मैं माइनस के साथ करवाना चाहता हूं। तो मेरा क्वेश्चन है -5 + 5 दिस इज 4 मीटर दिस इज 3 मीटर मुझे यहां पर ई चाहिए, प्लीज इसे -5 करके सॉल्व करना। -5 + 5 अब शुरू करो, -5 + 5 और आंसर निकालना क्या आएगा? बनाओ वेक्टर्स, ड्रॉ करो माइनस और प्लस के साथ।
देखो ये क्वेश्चन देखो प्लीज, माइनस फाइव प्लस फाइव, दिस इज थ्री मीटर, थ्री मीटर, और मुझे यहां पे ई निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर. सबसे पहले जहां ई निकालना है प्लस वन. बहुत लोग नहीं रख रहे, फिर भूल जाते हैं कि वो अट्रैक्शन है रिपल्शन है, लिख दो प्लस वन, याद रहेगा ये प्लस है. तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, तो सारे वेक्टर कहां ड्रॉ करूं, प्लस जहां ई निकालना है प्लस वन पे. तो ये फाइव कूलम प्लस वन को रिपेल करेगा, तो ये आपके पास ई की डायरेक्शन आएगी और वैल्यू क्या आएगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव डिवाइडेड बाई, ये फोर है ये थ्री मीटर, पाइथागोरस से पांच मीटर आएगा, यानी कि फाइव का स्क्वायर. ये रूल क्लियर है सबको, प्लस ने प्लस को रिपेल किया तो वेक्टर उधर जाएगा सामने. ठीक है यहां तक, फिर से इस प्लस ने इस प्लस को रिपेल किया, ये रहा. उसी तरीके से नेक्स्ट देखो, माइनस ने प्लस को अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्शन का वेक्टर कहां बनेगा, इस तरफ बनेगा, कुछ इस तरफ, लेकिन मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, क्योंकि ये भी डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का डिस्टेंस है. कोई डाउट इसमें, तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर, राइट. तो एक काम करते हैं, एक देखो दो तरीके हैं, दो वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं, नेट वेक्टर या तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक ही बात है. जितने क्वेश्चन हमने अभी तक किए वो रेजोल्यूशन से किए, ज्यादा आसान है. कैसे करवाया मैंने, ये अगर थीट है, इमेजिन कर लो 22 मीटर, ये भी थीट है, ये थीट है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीट है, ये थीट है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीट है. ये स्टेप क्लियर है, ठीक, एंगल्स बन गए इसमें. अब ई के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, पहला कॉम्पोनेंट इस तरफ होगा ई कॉस थीटा, एक कॉम्पोनेंट ऊपर होगा ई साइन थीटा. ऐसे ये ई वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा और दूसरा ई साइन थीटा. ई साइन थीटा कंपोनेंट ई साइन थीटा को क्या कर जाएगा, कैंसल. नेट जो ई की वैल्यू आएगी टू ई कॉस थीटा, ठीक है यहां तक. और ई की वैल्यू पुट कर लेते हैं, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव डिवाइडेड बाय फाइव स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू किसी भी ट्राइंगल से निकाल लो, थ्री डिवाइडेड बाय फाइव. आंसर उसमें वो भी कर लेते हैं. एक काम करो, इसी पैटर्न पे अब प्लस फाइव का आंसर बोलना क्या आएगा, टू ई कॉस थीटा या टू ई साइन थीटा या जीरो, क्या आएगा बोलो. ई की वैल्यू तो पुट कर ही लेंगे, उसमें टू ई साइन थीटा आएगा, करके देख लो. ये स्टेप क्लियर है सबको, 2e sin थीटा आना चाहिए मुझे लगता है, 2e sin थीटा आएगा. हाँ जी, कोई डाउट इसमें, 2e sin थीटा आएगा. एक्चुअल में क्या होगा, अगर देखो फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि अगर सपोज करो ये प्लस पांच कर दिया जाए तो ये वेक्टर यहां बनने की बजाय ना ये वेक्टर यहां बन जाएगा, इधर बन जाएगा, देखो इधर इस तरफ ये वेक्टर यहां आ जाएगा. जब ये वेक्टर यहां आएगा तो एक काम करते हैं, ई के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे, ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाएगा, ई कॉस थीटा और इस तरफ ई साइन थीटा. ऐसे यहां पर ई कॉस थीटा और इधर ई साइन थीटा, ये नहीं बनेगा उस केस में. तो ये वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे और नेट आंसर 2e साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा. तो मतलब इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक. लास्ट क्वेश्चन करो प्लीज, लास्ट क्वेश्चन. जहां ई निकालना है वहां पर प्लस वन रखो और सॉल्व करो.
देखो जो लोग ये कर रहे हैं, प्लस 5 कूलम का चार्ज है, माइनस 5 कूलम का चार्ज है, और ये एक्सेस है, यहां पर मुझे ई निकालना है, तो वहां चार्ज मैंने प्लस 1 रख दिया, ये कुछ नहीं है पॉइंट, ये 3 मीटर मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस 7 मीटर है, ठीक है, प्रॉब्लम है। रूल नंबर 1, जहां ई निकालना है प्लस 1 रख दिया, माइनस चार्ज इसके ऊपर कितना ई लगाएगा, किस तरफ लगाएगा, अट्रैक्टिव लगाएगा, कितनी लगाएगा, ई वन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड 5 डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ ये 7 है, ये कितना है 3 है, 7 में से 3 गया तो ये डिस्टेंस कितना बना 4, तो 4 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, तो ये 7 है, 7 में से 3 गया तो क्या बचा 4, राइट, क्लियर है, डिस्टेंस आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, E2 will be equal to 1/4 पाई epsilon not 5 divided by 7 plus 3 कितना हो गया 10 का स्क्वायर। तो डिस्टेंसेस आपने कहां से निकालने हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, तो साफ पता लग रहा है इन, ये जो डिस्टेंस आएगा 7 में से 3 गया 4, और ये जो डिस्टेंस आएगा 7 plus 3 कितना हो गया 10, कोई डाउट इसमें, क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक। अब इस प्रॉब्लम में जैसे ये वैल्यू आई तो नेट वैल्यू क्या आएगी, और दूसरी बात ये प्लस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस 5 माइनस 5 कूलम को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ले या ना ले, नहीं, क्योंकि मुझे ई कहां निकालना है, इस पॉइंट पर, तो वेक्टर सारे कहां बनेंगे, इस पॉइंट पर, कितने वेक्टर बनेंगे, जितने सराउंडिंग चार्जेस हैं, सराउंडिंग चार्जेस कितने हैं 2, तो वेक्टर भी कितने बनेंगे 2, ठीक हो गया, तो माइनस कर लोगे आंसर आ जाएगा, ओके।